गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे सारे? होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। रात को मैं गोरखपुर से आया, इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मैं स्कूल ड्रेस का टी शर्ट पहने ही सो गया। निकालने का भी टाइम नहीं मिला मेरे को, ना मैंने व्लॉग एडिट किया है। लिटरली 4 से 5 वीडियोस एडिट करनी है। 4 से 5 वीडियोस मतलब समझ रहे हो मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। मेन टाइम जो है प्रोसेसिंग रेंडरिंग का लगता है, जो वीडियो प्रोसेस होती है। तो चल कोई ना, कर लेंगे आराम से टाइम निकाल के, कुछ इसी तरह मैनेज करेंगे। भाई देखो फॉग तो काफ़ी डेंस वाला हो रहा है, और मे बी डीएम ऑर्डर आ गया है स्कूल बंद करने का है up to 8। लेट्स सी क्या होता है, आज स्कूल जाऊंगा तो पता चलेगा। पैरेट आए हुए हैं। ये कॉलर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ऐसे हो जा रहा है। कोई ना, मंदिर चलते हैं, उसके बाद नहा के स्कूल चलते हैं। देखो फॉग पूरा इतना, रोड पे चल के दिखाता हूँ। रोड पे तो देख लो गाइस, फॉग देख लो, मतलब कितना ढेर सारा फॉग गिर रहा है। रात को मैं गया था लगभग 7:30 बजे घर का सामान लाने, क्योंकि रात को आया था गोरखपुर से, तो काफ़ी दिन से नहीं ला पा रहा था टाइम ना मिलने के कारण। तो भाई मैं और सूरज गए थे, विजिबिलिटी कम्प्लीटली ज़ीरो थी, मतलब दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अभी भी रात से लेके अभी तक फॉग है, और ये फॉग जो है पूरी दोपहर तक रहता है, अंटिल अनलेस धूप ना आ जाए हार्श वाली। मेरा आज का व्लॉग आया लगभग 1.5-2 घंटे हो गए, और मैंने अभी तक उसका थंबनेल नहीं डाला है, और वैसे ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई मैं पहले जाऊँ और थंबनेल डालूँ, लोगों का रिटेंशन ग्रैब करूँ, तो कुछ काम बने। अदरवाइज़ यार समझ ही सकते होगे, मैंने रात को सो गया था, इसलिए मैं थंबनेल में कुछ नहीं, लैपटॉप मैंने टच ही नहीं किया, बस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए टच किया है, क्योंकि कार्ड खाली करना पड़ता है डेली। तो थंबनेल भी मैंने लगा दिया। टाइम 8:45 हो गया। नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाते हैं, स्कूल भागते हैं। लेट्स सी कि स्कूल में आज कैमरा लेके जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। लेके जाना है मेरे को वैसे। चलो गाइज, अभी मेरे को मेरे को अमेजोन से GoPro का कुछ एक्सेसरीज मैंने ऑर्डर किया था, वो आ चुका है। तो भाई देखते हैं ना, एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, एड्रेस कुछ नहीं है। इसको सील लॉक तोड़ना है, टूट गया। और ये रहा दो थे, मैंने माउंट ऑर्डर किया था, दोनों आ गया। बस इतना ही मेरे को पड़ा है, 500 रुपये का। इस चीज़ के पैसे लिए हैं, इस हार्ड चीज़ का है, सबसे मजबूत चीज़ दिया है। और ये भी कैसा है इसका चेक करूँ मैं, ये तो पुराने वाले जैसा है, लेकिन इस चीज़ के मैंने पैसे दिए हैं। सबसे ज़्यादा महंगा यही पड़ा मेरे को, ये दोनों 500 रुपये का है गाइस। देख लो, एक यूट्यूबर की लाइफ यही होती है। स्कूल से आ गए गाइस, और स्कूल से आने के साथ एक पैकेज आया था, तो मम्मी रिसीव करके रखी हैं। अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर बैडमिंटन का मेरा प्रोडक्ट है, तो दिखाते हैं आपको कि क्या है इसके अंदर। अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। आज इस उंगली में चोट लगा लाया हूँ, वो कैसे लगा है छोड़ो, आप लोग डिटेल में ना जाओ, बस इतना समझो कि चोट लग गया है, काफ़ी ख़तरनाक वाला। और ये जो चीज़ है काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ों में से एक है, देख लो। ये मुझे 400 रुपये का पड़ा है, बैडमिंटन का ग्रिप है मेरे, तो सही है। दो ठे योनेक्स का है, देख लो। अब खाना वाना खाते हैं, और गोंद का लड्डू बन गया है, वो भी खाएंगे आराम से। मैं बोल रहा था ना ठंडी का स्टॉक मेरा बनेगा, ये देखो मेरा ठंडी का पूरा स्टॉक है। वैसे ऐसे 3 बार बनता है, तो ये एक बार है, 5-10 किलो वाले डब्बे में। तो ये पिनिया कह सकते हो, जो लोग नहीं समझ पाएंगे, ये गोंद के लड्डू हैं, और पिनिया भी कह सकते हैं उनको, मजा आएगा भाई। गजब मस्त चीज़ है यार, चुम्मेसर चीज़ है, खाते हैं, एडिटिंग करते हैं, काफ़ी ज़रूरी है। गोंद के लड्डू के बाद खाने में है ये, इतना ढेर सारा खीर हो गया आज का लंच, खीर गोंद का लड्डू, वाह मज़ा आ गया। टाइम हो चुका है मेरे को कोचिंग जाने का, कोचिंग चलते हैं। बिनी ले लें, बिनी कहाँ है भाई, बिनी कहाँ है? मम्मी, इट्स डन, भागते हैं कोचिंग। अमृत शशांक का पता ही नहीं, कुछ कहीं होंगे, व्लॉग भी अपलोड हो रहे हैं मेरे जेब में रखे फ़ोन पे, तो वो भी एक अच्छा ही काम है जो चल रहा है। हार्डली 10 मिनट लगेंगे कोचिंग पहुंचने में, लेट्स रन, पहुंच जाएंगे आराम से, फिर उसके बाद बैडमिंटन। बट बैडमिंटन के लिए टाइम नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा बिजी हूँ, लगभग 3 से 4 दिन
बिजी हूँ, उसके बाद बैडमिंटन फिर से खेलेंगे। वैसे हाँ, पोस्टपोन हो गया बैडमिंटन, मतलब जो स्पोर्ट इवेंट्स होने वाले थे स्कूल के वो सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। एज़ फॉर डीएम ऑर्डर, जो भी प्राइमरी सेक्शन के क्लासेस थे अप टू 8, नर्सरी टू 8, वो सारे क्लासेस बंद हो चुके हैं। उन लोग को स्कूल नहीं आना, उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, दैट्स वाई स्पोर्ट इवेंट पोस्टपोन हो गया। नीचे वाली भी रोडों पे मिट्टी डाल दिए हैं सब, तो काफ़ी सही, मतलब गड्ढे पता नहीं चलेंगे, तो उस टाइप का हो गया है। और ऊपर वाला तो बन ही गया है, ऊपर वाला तो देखे ही हो आप लोग। गाइस, लोग इस कैमरे को, गोप्रो को इतना मतलब ऐसे देखते हैं जैसे मैं पता नहीं क्या ही ले रखा हूँ, बम वम किसी को उड़ाने वाला। तो प्लीज़ यार, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, अगर सामने में ये गोप्रो देखते हो तो ऐसे मत देखा करो, बहुत चेप लगता है। तो सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, बट या जो सही है वो मैं बोल दिया। इधर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और घर वगैरह लोगों के बन गए, दुकान वकान सब बन गया है। ये जगह खाली पड़ा था काफ़ी टाइम से, हमने काफ़ी यहाँ पर क्रिकेट मैचेस खेले हैं, बट यहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई, बिल्डिंग्स नहीं मतलब घर वर बन गए लोगों के। भाई जगह घटते जा रहे हैं धरती पे। कोचिंग पहुँच गए, शशांक भी आ गया, अमृत भी आ गया, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया सब, मेरे को छोड़ के आ गया, मैं पैदल आऊँ, ये लोग साइकिल से, बहुत हरामी है दोनों। देख लो देख लो, ठंडी है तो बहुत ज्यादा, झूठा उतना ज्यादा नींद लग रही है। हाँ नींद तो हमको भी लग रही है, जो कोचिंग में आना पड़ता बहुत। सर भी आ गए, चलो कोचिंग पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आराम से। यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहाँ माटी हो गया, अब इससे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे जितनी बार जाएगा, ठीक, तो उसको यहाँ लिख करके ये माइनस आ जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर ऊपर हो जाएगा, ये हो गया, फिर पुटअप करके बना दो। कोचिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सासुर बोलो अरे चुप रे। सांग के फ़ोन पे मेरा ही व्लॉग चल रहा था साइड में से वॉच टाइम के लिए, एंड मज़ा आ रहा है भाई कोचिंग, मज़ा आ रहा है और पर मज़ा आ रहा होगा। सासवत को हम लोग मिस कर रहे हैं, आई मीन वी आर मिसिंग यू सासवत ब्रो। नहीं बताएंगे लोग, पब्लिक को पता चल जाएगा। अरे सासों को पता चलना चाहिए किस बात पे, सासवत होटल रूम बनारस वाला, उसके लिए चल गया। चलो कोचिंग खत्म, टाइम देख लो भाई, अरे भाई 5:30, लेट्स रन। वैसे पता है क्या हुआ, मेरी ये वॉच जो है पीडीआई सर बहुत एकदम ब्रीफली चेक कर रहे थे, कहीं स्मार्ट वॉच तो नहीं फोनवा लगने वाला। चलो चलते हैं भाई। गाइज ये बैठे थे यहाँ पे और ये चार दवाइयाँ थी, इसके लिटरली 16 रुपए हुए, इन्होंने काटा कितना है 40 रुपए। बढ़िया, बाकी पैसे उठाते हैं चलते हैं। थैंक्स टू अमृत, हम बाहर निकल गए। अमृत कहाँ गए भाई, रुक दवा देखते हैं, कहाँ गए, आइए थोड़ा अंदर गए, छोड़ो चलते हैं ना। गाइस घर आया, मैं एक की भी ऑलरेडी खा लिया, दूसरा की भी मम्मी अभी भी काट दी है, और ये खाते हैं, ब्लॉग एडिटिंग करते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, और अमरूद भी आ रहा है मेरा, तो 6 बजे शाम को मैं खा रहा हूँ ये सब चीज़ें। चलो कोई ना, मम्मी नमक, नमक के साथ लिटरली मज़ा आता है भाई, लिटरली मज़ा आता है। और ये मेरी बिनी, काफ़ी पुरानी बिनी है, बट क्या करें, घर में पहनने के लिए इज़ ऑल राइट। गाइज ये रविंद्र भैया, ये जो है अभी नेट का पैसा जो है मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी नेट ले लूँगा, नेट मांग के काम चल रहा है, एक दिन मांग के नेट लगाया था जैसा कि आपने देखा था, अभी चल रहा है प्रॉपर वाला नेट आ जाएगा। भैया भेज रहे हैं, हाँ भेज रहे हैं, क्या पता वो बस डिजिटवा भेज दे, पैसा बचाए ही ना। खैर, और क्या लेना था, हाँ कैलेंडर लेना था, मम्मी के लिए कैलेंडर लेना था, और ये आ गया पैसे आ गए, लेट्स रन, चलो लेके आते हैं। और क्या था मेरे को, क्या लेना था, हाँ दवा लेना था एक, बस 3 काम है, लेके आते हैं। और ये 500 वाट का इधर लगा दी है, 500 वाट वाला काफ़ी हीट फेंक रहा है ये वाला, चलो थे। और टाइम देख लो पहले, 8:30 हो गया, और अमृत शशांक से बात किया, काफ़ी ढेर सारी डीपली बात करनी थी, एंड जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने थे मामाअर्थ से मैंने ऑर्डर कर दिए भाई, फेस वॉश ख़त्म हो गया था तो फेस वॉश बस मंगाना था, बाकी सारे तो है मेरे पास। इस ब्लॉग को इस नोट पे, छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग था, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एफर्ट्स इतने हैं तो कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय #peace, I know you love me, बाय।